जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज से शीतकाल की घटाएं प्रारंभ हो रही हैं। आज प्रथम हरी घटा है, आइए द्वादश घटाओं के भाव देखते हैं। आपने देखा होगा शीतकाल में जब आसमान में बादल छाते हैं जिनके अलग अलग रंग होते हैं और उनके प्रभाव से समग्र वातावरण भी उसी रंग का दिखाई देता है। सामान्य भाषा में इन्हें गर्भ के बादल कहा जाता है, अर्थात इनके पीछे कुछ छिपा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु के रंग में रंग जाना ही घटा भाव है और प्रभु का साक्षात्कार ही गर्भ के इन बादलों में छिपा हुआ फल है। प्रकृति के इसी अद्भुत सिद्धांत को श्री जी की सेवा प्रणालिका में नियमबद्ध कर शामिल किया गया है, जिसके तहत जिस नियत रंग की घटा होती है उसी रंग के साज श्रृंगार आभूषण भोग आदि प्रभु को धराए जाते हैं। संवत 1977 से पहले प्रभु श्री जी में चार ही घटाओं के दर्शन होते थे, जिनमें हरी, श्याम, लाल एवं पीली घटाएं शामिल हैं। संवत 1977 में तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी महाराज एवं दामोदर लाल जी महाराज बनारस पधारे, वहां पर मुकुंद राय जी की 12 घटाओं के आपने दर्शन किए और 1977 के संवत में ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन 8 घटाओं को भी शामिल कर कुल 12 घटाएं यहां पर हुई। इनमें केसरी घटा, फिरोजी, बैंगनी, रूपहरी, सुनहरी जरी की घटा, चार चांद की घटा, फूल गुलाबी एवं अधरंगी जिसे पतंगी घटा भी कहते हैं शामिल हुई थी, जिनके भाव दर्शन आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। शीतकाल के 3 माह मृगसर, पौष एवं माघ में ये घटाओं के दर्शन होते हैं। इनमें कुछ घटाओं के दिन नियत हैं तो कुछ घटाओं के दिन नियत नहीं हैं, लेकिन शीतकाल के इन महीनों में ही इन घटाओं के दर्शन होते हैं। इनसे इतर अष्टछाप के कवियों ने राधे रूप की घटा से भी घटा का वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में 2 रंगों को शामिल करके भी घटाओं के दर्शन करवाए जाते हैं। प्रकृति के नियमानुसार घटाओं के इन दिनों में सूर्य पीछे रहते हैं और बादल उन्हें ढके हुए रहते हैं। उनके अलग अलग रंगों से ही ये रंग वातावरण में बिखरते हैं। पुष्टि भक्ति में भी घटाओं के यही भाव हैं। घटाओं के रंग के प्रभु के साज श्रृंगार आभूषण सभी होते हैं, लेकिन फलात्मक रूप से जो दर्शन होते हैं वह प्रभु श्री जी के ही हैं और वही फलात्मक हैं। द्वादश घटाओं को द्वादश कुंज के भाव से भी देखा जाता है। ये कुंज अरुण कुंज, हरित कुंज, हेम कुंज, पूर्णेंदु कुंज, श्याम कुंज, कदम कुंज, सीतांबु कुंज, वसंत कुंज, माधवी कुंज, कमल कुंज, चंपा कुंज और नील कमल कुंज हैं। इसे भक्ति भाव से समझें तो आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव कुछ भी हो, भाव कुछ भी हो, आप जिस भाव से प्रभु को भजेंगे प्रभु उसी भाव से आपको न केवल दर्शन देंगे अपने सानिध्य में भी रखेंगे। और सारांश रूप यह है कि ये घटाओं के दर्शन हमें सीधे संदेश देते हैं कि प्रभु में एकाकार होना यही इस जीवन का सारभूत तत्व है। एक और तथ्य को तर्कपूर्ण रूप से समझते हैं कि सभी घटाओं में प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में मंगला से राजभोग तक का क्रम अन्य दिनों की तुलना में काफी जल्दी हो जाता है। संदर्भ यह है कि यदि प्रभु को पाना है तो भक्ति और प्रभु के रंग में रंग जाने में विलंब नहीं करना चाहिए। परिणामतः प्रभु भी विलंब नहीं करेंगे और शीघ्र दर्शन देंगे। आज प्रभु श्री जी में प्रथम घटा हरि घटा है। स्वामिनी जी तथा श्याम सुंदर का ऐक्य होना ही नील पीत हरि घटा बन जाता है, यही इसके पीछे का भाव है। भाव कीर्तन भी घटाओं के रंगों के भाव से ही किए जाते हैं। अपने कुछ भक्तों को प्रभु विशेष कृपा भी प्रदान करते हैं। देखिए, अमावस्या को श्याम घटा के दिन और दशमी को हरि घटा के दिन शयन के दर्शनों के समय आरती होती है। आरती के समय सभी बत्तियां बुझा दी जाती हैं ताकि प्रभु के अलौकिक दर्शन का आनंद भक्तों को मिल सके। प्रकृति के साथ जीवन को जीने का यह अनोखा संगम या भाव
और कहीं देखने को मिल सकता है क्या? आप खुद ही सोचिए और पुष्ट जीव होने के लिए अपने आप पर गौरव महसूस कीजिए। प्रभु श्रीनाथ जी, गुरु श्री वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों में नमन कीजिए और एकाकार हो जाइए। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि अमूलामहं सकल सिद्धि तुम मुदा आज मार्ग शीर्ष दशमी गुरुवार 10 दिसंबर 2020 है। श्री जी में आज हरि घटा के दर्शन है। भाव कीर्तन राग धनाश्री में है। हरी घटा होने के कारण श्री जी में हरे रंग के दरियाई अर्थात साटन वस्त्र की पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर भी हरी बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को हरे रंग के दरियाई अर्थात साटन के वस्त्र की रूपहरी किनारी से सुसज्जित मौजाजी, सूथन, चोली एवं घेरदार वागा धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र भी हरे रंग के ही धराए जाते हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आभरण सभी पन्ना के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर हरे रंग की गोल पाक के ऊपर सिरपेच, हरा रेशम का दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल धराए जाते हैं। हरे रंग के पुष्पों की दो सुंदर माला जी धराई जाती है तो श्री हस्त में हरे मीना के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनिया नुपुर आदि तो धराए ही जाते हैं। खेल के साज में पटहरा व गोटी हरे मीना की रखी जाती है। आरसी नृत्य की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में हरि तुम हरे केवल चीर, राजभोग में मेरो माई हरि नागर सो नेह, आरती में आवत मोहन मान जू हरिओ, शयन में मथुरा नगर की डगर में, मान के पद में हो तो वार डारो रे, तन मन पोड़वे में लागत है अत शीत की नीके, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं संध्याकालीन सेवा में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लूम तुरा रूपहरी धराए जाते हैं। आज हरि घटा होने के कारण विशेष रूप से शयन की आरती सभी बत्तियां बुझा कर की जाती है। आइए अब प्रभु श्री जी के मंदिर में दर्शनों का समय देख लेते हैं। Thank you.
पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री जी के दर्शन के सिवाय पुष्टि सृष्टि से दर्शन करवाने का हमारा लक्ष्य एक यह भी है कि हम तथा हमारी नई पीढ़ी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका की विभिन्न प्रक्रियाओं के साक्षात दर्शन भी करें, जो कि प्रभु कृपा से हमें पुष्टि सृष्टि से उपलब्ध होते हैं, ताकि हम उनके भावों को भली भांति समझ सकें। आइए दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। लागी हो ला
आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी कीर्तन समाज नागपुर से सावधान। पुष्ट सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।